गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का चैप्टर है आपका झूला। मैं मिसेज नीमा मेहरा, नवज्योति पब्लिक स्कूल मोना। तो आज टुडे डेट है 14 मई 2021। तो आज हम लेसन पढ़ेंगे, लेसन नंबर 1 झूला। तो इस राइम को मेरे साथ साथ आप भी गाएंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पे मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली चल ले कलकत्ता। झूला झूल रही है धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरसा बरस रहा है रिम झिम उड़ उड़ कर मैं लूटू दिल बादल। तो आपको क्या करना है, इसमें ये राइम को पहले गाना है। तो स्टार्ट करते हैं फिर से दोबारा। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। झूल रही है नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिम झिम उड़ कर मैं लूटूं दल बादल। तो झूले ही झूले, बताओ इनमें से किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो? किन किन चीज़ों पर झूल सकते हो? टायर पर झूल सकते हो, टायर पर झूल सकते हो, फिर उसके बाद फाटक पे भी झूलते हो, और आप दरी पे भी झूल सकते हैं, डाली पे झूल सकते हैं, मेज पे झूल सकते हो, अलमारी में भी नहीं झूल सकते, और पैर वाला झूला झूलता ही है आपने जब छोटे छोटे थे आप, तो आपकी मम्मी आपको पैर वाला झूला झूलाती थी। मुझे पर झूलने में बड़ा मज़ा आता है। अब आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको इन चित्रों के झूले पर, जिन चित्रों को झूलने में आपको मज़ा आता है, उन चित्रों को, उन झूलों को आपको नहीं यहाँ पे लिखना है। मुझे झूलने में मज़ा आता है टायर वाले झूले पर झूलने में मज़ा आता है, या मुझे फाटक वाले में अच्छा लगता है, या फिर मुझे दरी वाले झूलने में बड़ा मज़ा आता है। डांट पड़ती है, कौन से वाले झूले पे डांट पड़ती है आपको? डाली वाले डांट झूले पे डांट पड़ती है। मुझे डर लगता है, किस पे लगता है आपको डर? फाटक वाले झूले पे डर लगता है आपको। जो आपको डर लगता है तो वो वाले झूले के नाम लिख देंगे, जिस पे आपको मज़ा आता है उस पे लिखेंगे, जिस पे आपको डांट पड़ती है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है? तुम इन झूलों पर भी झूले होंगे, इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा? देखो ये चित्र में देखो आपने इन झूलों को कहाँ कहाँ, इन झूल को किन किन झूलों को आपने, इसको 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 आपने इन झूलों को कहाँ कहाँ देखा है, आपको ये लिखना है। मेला, स्कूल, पार्क, घर का आंगन, बगीचा। तो आपने डाली वाला कहाँ देखा है? घर का आंगन पे देखा है। ये टायर वाला कहाँ पर होता है? ये आपका मेले पे होता है, नहीं स्कूल पे भी होता है ये। ये वाला कहाँ पर होता है आपका? मेले पे होता है। ये टायर वाला कहाँ पर होता है आपका? पार्क में होता है। और ये आपके स्कूल पे होते हैं, ये आपके आंगन पे होता है। आपको इसमें लिखना है झूलों से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा, झूलों से सुहानी को क्या क्या दिख रहा है। देखो ये क्या क्या दिख रहा है, जब तुम झूले में झूलते हो तो आपको क्या क्या दिखता है, तो आप को उसमें लिखना है, ठीक है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है कुछ इस चित्र के बारे में बातचीत करें, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं, कितने बच्चे छिपे हैं, यह किस पेड़ का तना है, स्कूल के आसपास क्या है, इस चित्र में क्या तुम्हें सुहानी दिखाई दे रही है। आपको इस चित्र को देखना है और इसके बारे में बताना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको सुहानी दिखाई दे रही है, ये सुहानी है आपकी,
तो आपको इस चित्र में सुहानी दिखाई दे रही है? दिखाई दे रही है ना? नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पे सुहानी? यहाँ पे सुहानी नहीं दिखाई दे रही है। देखो कितने बच्चे छिपे हैं, आपको ये काउंट करना है। एक बच्चा छुपा है इस चित्र पे, और यहाँ पे एक दो तीन, तीन बच्चे आपके यहाँ पे छुपे हैं। और क्या करना है आपको? बातचीत करने हैं। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। कितने बच्चे खेल रहे हैं? देखो आपको कितने बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखना है। एक दो तीन चार पाँच छ सात, उसके बाद आठ नौ, नौ बच्चे आपके खेल रहे हैं, आपको बताना है। तो यह किस पेड़ का तना है? आपको ये बताना है किस पेड़ का तना है? ये फूल का तना है आपका। स्कूल के आसपास क्या है? स्कूल के आसपास क्या है? हैंडपंप है, और क्या है आपका? देखो आंगन है, खेल का मैदान है, स्टूल्स हैं, बेंच हैं, ये आपको सब बताना है। इस चित्र में क्या तुम्हें सुहानी दिख रही है? अब आपको अपनी फ्रेंड सुहानी को ढूंढना है। क्या आपको इस चित्र में सुहानी दिख रही है? आपको इस चित्र में सुहानी नहीं दिख रही है। तो आप नीचे देखिए, मिलान करो, ठेला, ठेला कहाँ है अभी? ठेला, ठेले पे ले जाना है, ये आपका ठेला है, ये ठेला। आपको ऐसे मिलान कर देना है। झूला, पेड़ और गठरी, आपको ऐसे मिलान कर देना है, ठीक है? उसके बाद है खाली जगह भरो और छिप, फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। अब आपको क्या करना है? खाली जगह भरना है, पेड़ के पीछे, मेज के नीचे। अब आपको एक चित्र बना देना है। पहले आपने चित्र के लिए क्या किया? एक आपने ऐसे वो कर लिया, फिर उसके बाद ये कर दिया, ये कर दिया, उसके बाद ये कर दिया। आप क्या बन गया? आपके चित्र बन जाएंगे। फिर चारपाई के नीचे और घास के पीछे, ठीक है, पेड़ के पीछे। हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। पकड़म पकड़ाई, आपको फिर से मिलान करना है, एक दूसरे को पकड़ना है, ठीक है? ठ मौ से मछली हुआ, छौ से छतरी, आपको मिलान कर देना है। औ से अनार हो गया, नौ से नल हो गया है, ठ से गठरी, गठरी हो गई, ठीक है? आपको ये मिलान करना है। ऊपर बनी चीजों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। आपको देखो छ से बीच में आ गया मछली, गठरी, मछली, अनार, और क्या हो गया? नाव, नल, आपको ये लिखना है। यहाँ मछली दो बार लिखा है, क्या किसी और चीज का नाम भी तुमने दो बार लिखा है? नल का नाम लिखा है, नाव का नाम लिखा है, आप दो बार लिखेंगे यहाँ पे। तो आज का चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। आपको यहाँ, अब आप क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, आपको इस क्वेश्चन के आंसर भी लिखने हैं। अम्मा आज लगा दी झूला, अम्मा से बच्चा कब झूला लगाने के लिए कह रहा है? नंबर एक क्वेश्चन। नंबर दूसरा क्वेश्चन, वो आसमान में झूले में चढ़कर वो किसे छूने की बात कर रहा है? तो बच्चा झूले पर चढ़ के आसमान को छूने की बात कर रहा है। झूला झूला कहाँ कहाँ लगाया जाता है? झूला उसको कहाँ कहाँ ले जा रहा है? दिल्ली और कलकत्ता ले जा रहा है। झूल रही नीचे की धरती,
की क्वेश्चन अब यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, तो आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर, और आपका होमवर्क आप इसमें NGS ग्रुप में डालेंगे और मैं इसको चेक करूँगी। ठीक है, चलिए, ओके बच्चों।